यातायात पुलिस द्वारा गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना एवं गुड समर रिटर्न योजना के बारे में दी गई जानकारी। शिवपुरी यातायात पुलिस द्वारा गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना एवं गुड समर रिटर्न योजना के बारे में जानकारी दी गई। गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में सर्वप्रथम डायरेक्टर महिपाल अरोड़ा द्वारा यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा एवं स्कूल की प्रिंसिपल कृति चावला द्वारा सूबेदार नीतू अवस्थी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्बोधन मोनू नामदेव द्वारा किया गया, जहां बता दें कि दिनांक 4 जुलाई 2024 को यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हिट एंड रन मोटर दुर्घटना टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहनों द्वारा घायलों अथवा मृतकों के पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करती है, जिसमें अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए एवं गंभीर घायल होने पर 50,000 रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाता है एवं गुड सैमरिटन योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है तो जिला प्रशासन द्वारा 5,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी गई एवं यातायात नियमों के पालन करने की समझाइश दी गई। यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा आमजन को जागरूक करने संबंधी कार्यक्रम निरंतर रूप से जारी रहेंगे। मेरा क्या नाम है आपका? अथर्व शर्मा। अच्छा, आज ये जो यातायात द्वारा एक सेशन हुआ, क्या कुछ आपको लगा? हमने बहुत सीखा मिस्टर धनंजय शर्मा जी से, जो कि इन्होंने हमको बताया ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक रूल्स बाकी बारे में। मैं चाहता हूँ कि मेरी शिवपुरी में एक नो एंट्री की जो है वो थोड़ा कम हो जाए और ये भारी भरकम जो वो होते हैं उनसे भी एक अनुरोध है मेरा कि उन्हें थोड़ा रिलैक्स दें और थोड़ा ट्रांसपोर्ट को रोकें और जल्द से जल्द उन्हें, क्योंकि उन्हें वो अगर उन्हें नींद लगती है तो शायद किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले की खबर है 1:29 की रात में कि एक ट्रक से जो अपना झांसी त्राहा रोड है ना, वहाँ पर जो रेलिंग्स होती हैं वो सारी डिसमेटल हो गई थी। सोचो उधर कोई भी एक भी इंसान नहीं था तो उधर शिवपुरी में इतनी बड़ी दुर्घटना से बच गया। मेरा यही कहना है पुलिस और ट्रैफिक मीडिया और सबसे कि अपनी शिवपुरी में ट्रैफिक रूल्स को और ट्रैफिक साइंस और जो ट्रैफिक के लाइट्स वगैरह उनको चालू करा जाए। धन्यवाद। सर, आज जो ये सेशन किया गया है आपके द्वारा यातायात के द्वारा जो सारे स्कूलों में चल रहा है, क्या कुछ सेशन था? देखिए, ये चूँकि यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर विभिन्न स्कूलों में जाके ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर लेक्चर दिए जाते रहे हैं, उसी अनुक्रम में आज हम लोग श्री गुरु नानक स्कूल में आए थे और बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर किया है। इसके साथ ही में शासन की दो नई योजनाएं हैं, गुड सैमरिटन और हिट एंड रन स्कीम, इसके बारे में भी बच्चों को बताया गया है कि इन योजनाओं के तहत शासन के द्वारा क्या क्या कंपनसेशन दिया जाता है पीड़ितों को, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को समझाई गई हैं। सर, लगातार बच्चों से भी आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ क्वेश्चनिंग हुई, क्या कुछ समझ पाए बच्चे? निश्चित तौर पे बच्चों के मन में ट्रैफिक रूल्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो आज एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल में इस स्कूल परिसर में हमने एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन सेशन रखा था, जिसमें बच्चों द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत सारे डाउट थे जो बच्चों के जो उनने मुझसे पूछे थे, तो उनके जो डाउट्स थे वो हमारे द्वारा क्लियर किए गए हैं और एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित हुआ परस्पर क्वेश्चन आंसर का, और जिसका लाभ निश्चित तौर पर बच्चों को मिलेगा और ये जो नियम हमारे द्वारा बच्चों को समझाए गए हैं वो उनका पालन करेंगे, इस उम्मीद से मैं स्कूल प्रबंधन से और सभी बच्चों से आशा भी करता हूँ। सर, एक आपने एक अभियान भी चलाया गया है जो कि नेक दिल अभियान, जिसमें घायल को समय पर पहुंचाने पर नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है, क्या कुछ ये अभियान चलाया जा रहा है? ये देखिए, चूँकि प्रायः ये देखने में आता है किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घटनास्थल पर कोई घायल व्यक्ति रहता है तो कोई व्यक्ति उसकी मदद करने से कतराता है, तो ये सारी जो परिस्थिति है उसको शासन के ध्यान में जब ये बात आई तो शासन ने एक स्कीम निकाली, उस स्कीम का नाम है गुड सैमरिटन या हिंदी में हम बात करें तो नेक दिल व्यक्ति योजना। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आर्स यानी कि घटना के 1 घंटे के अंदर नज़दीकी जिला अस्पताल में पहुँचा के उसका प्राथमिक उपचार कराता है और उस उपचार से उस व्यक्ति की जान बच जाती है तो शासन की तरफ से उस व्यक्ति को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।